पीछे चल रहे हैं, आने वाले समय में कुछ ऐसा कुछ एडजस्ट, जैसे मेरी राम विधानसभा तो मुझे पता है कि कहाँ से हम आगे आएंगे, कहाँ से पीछे होंगे, कहाँ से महेंद्र आडिया जी हैं जैसे 15-16 हज़ार वोट से आगे चल रहे थे, अचानक से गिर के वो 4-5 हज़ार वोट से, कोई एक ऐसी विशेष जगह होती है जहाँ से वोट खुलते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट जाते हैं, तो ऐसा उसका आकलन आप नहीं कर सकते। आप तो ये देखिए कि 29 सीट में से 25 सीटों के आसपास हम उज्जैन संभाग में पूरा सीट कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। आप अगर धार जिले में भी अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर हम लोग बहुत जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में जो आलम हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ये सच में मन को एक खुशी देने वाला भी है और निश्चित रूप से एक मजबूत सरकार की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। राजनीति भविष्य में सरकार बनने के बाद जीतू जुराती कहाँ पर देख रहे हैं अपने आप? जीतू जुराती पहले भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता था, आज भी है और मैं हमेशा रहूँगा और मैं इसलिए रहूँगा, मुझे कोई लोग लालच नहीं भैया, मेरी पार्टी खूब मुझ पर कृपा है, आप लोगों की कृपा है, जनता का आशीर्वाद है, मैं क्या करूँगा बताइए, मेरी सरकार बन रही है, अच्छे से काम कर रहे हैं, मैं कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, इससे बड़ा और क्या क्या अपेक्षा हो सकती है। तो जो पार्टी ने दिया है उसको सिरोधार माना है, गले लगाया है और आगे भी मैं प्रयास यही करूँगा कि आप सबके माध्यम से, समाज के माध्यम से एक बेहतर हमारा प्रदेश बने, एक बेहतर हमारा देश हो, इस बात के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं और निश्चित रूप से इसी लाइन पर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ये परिवर्तन नहीं, परिवर्तन कहाँ हुआ, फिर भाजपा की सरकार बनी है तो कहाँ का परिवर्तन की बात कर रहे हैं? सीटों की संख्या बड़ी, सीटों की संख्या बोल रहे हैं, मैंने कहा ना पहले कि मैं जनता को सबसे ज़्यादा सिरोधार अपने माथा उनके चरणों पर टेक करके उनके प्रति धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए लगातार 5वीं बार किसी एक विचारधारा पर भरोसा करना, ये निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात होती है, ये बड़े कलेजे की भी बात होती है। मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने ये जो रुझान आप लोग देख रहे हैं, ये जो मतदाताओं ने जो हमारे प्रति विचारधारा के प्रति जो विश्वास जागृत किया है, ये सच में अतुलनीय है और ये उनके प्रति बहुत कृतज्ञता के साथ मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ फिर से आपके माध्यम से कि ये प्रचंड बहुमत जो आपने भाजपा को दिया है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी कसौटी पर भी और इस मध्य प्रदेश के विकास पर भी हम लोग खरा उतरने का प्रयास करें। बहुत धन्यवाद। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके